गेंद से दिलीप से हिट लगाई, चौका लगाया। मगर ये जादू बहुत देर नहीं चला। जयकिशन की गेंद पर दिलीप ने हिट तो लगाई मगर बेचारी वहीदा शि कपूर को दाद दिए बिना न रह सके। दिलीप वापस जा रहा है मगर फिल्मी क्रिकेट के चौंचले तो निराले हुआ करते हैं। खेल में संजीदगी के बाद हंसी मजाक न हो तो देखने वाले बोर हो जाएं। अब जरा जॉनी वॉकर और जौहर का तमाशा देखो। खेलने तो आए थे क्रिकेट और शुरू कर दी कबड्डी, लेकिन ये बात न हो तो इन्हें कमेडियन कौन कहे। आखिर जौहर की फेंकी हुई गेंद ने जॉनी को आउट कर दिया और इसके साथ ही दिलीप कुमार की सारी टीम 156 रन बनाकर आउट हो गई। थके हुए खिलाड़ी कमर सीधी करने लगे और जो ताजा दम थे खाने की बातों में मशगूल हो गए। बात भी तो ठीक है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। महमूद ने गजेबो का लजीज चिकन मजे ले लेकर खाया और बाकी सितारे भी खाने पीने की तरफ रागिब हो गए। जब लंच की घड़ियां तेजी के साथ बीत रही थी दिलीप अंपायर मंत्री के साथ कोई मशवरा कर रहा है और उधर शम्मी कपूर अपनी माताजी का दिल बहला रहा है। लीजिए लंच टाइम खत्म हो गया। विकेट के पास आगा ने टोपी हिलाकर कहा आई एम रेडी और राजू की टीम के पहले खिलाड़ी अपलम चपलम मैदान में आए। खेल शुरू हो गया। दिलीप ने बॉलिंग शुरू की और मियां मजनू आते ही आउट हो गए। अंपायर ने विकेट ठीक और मजनू की जगह महमूद ने संभाली। खेल का मैदान एक जौहर ने पहला चौका लगाया। मगर जौहर ठहरा कॉमेडियन, शरारत से बात न आया। शशि कपूर चौका, जयकिशन घबराया, शोभा खोटी हैरान हुई। जौहर के जौहर ने सबको चक्कर में डाल दिया और छूमंतर बॉल जौहर की जेब से निकल आया। वाह जौहर, तुम खिलाड़ी भी हो और मदारी भी। अब दिलीप को भी गुस्सा आया और उसकी गेंद ने महमूद को वापसी का टिकट दे ही डाला। नंदा ने बल्ला संभाला और डेविड बदस्तूर अपनी कमेंट्री में मगन रहा और बेचारी नंदा बाउंड्री लगाने की कोशिश में राम कमलानी के हाथों कैच हो गई। अब शम्मी की बारी, बल्ला उसका है, गेंद वहीदा रहमान की और दोनों की आपस में ठन गई। आते ही ऐसी जमी के बेचारी निम्मी का दम फूट गया मगर स्कोर वही का वही रहा और बहुत बड़ा जीरो लेकर शकीला की छुट्टी हो गई। कोई बात नहीं शकीला जी, फिर सही। फिलहाल आप वापस जाइए, अब जमीन की बारी है। निम्मी ने गेंद फेंकी, हिट तो लगी मगर एक विलन रास्ते में आ गया वरना ये गेंद कभी कैच न होती। जयकिशन बल्ला हाथ में लिए तैयार है और उसके बॉल से पिटा हुआ शम्मी कपूर उसे पीटने के लिए आया है। हजरत आप अगर जंगली हैं तो सख्त। आखिर निरूपा का तीर निशाने पर लगा और वो जौहर जो मैदान से जाने का नाम ही न लेता था 45 रन बनाकर आउट हो गया। अब मनोज की बारी है। सुना है ये हजरत भी अच्छे खिलाड़ी है। बात वाकई सही मालूम होती है जो दोनों खिलाड़ी डट कर खेल रहे हैं। ओहो, तो अब कप्तान की बात, मगर ज्यादा तैयारी अच्छी नहीं होती कप्तान साहब। सामने वाले ने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। मेरा नाम राजू घराना नाम, मेरा नाम राम कमलानी ने बॉलिंग शुरू की
और कप्तान राजू ने आते ही एक ऐसी हिट लगाई कि राम को छठी का दूध याद आ गया। खेल का मैदान फिर से गर्म हो उठा और दूसरे कप्तान ने गेंद अपने हाथ में ले, मगर राज कपूर ने उसकी गेंद को खूब पीटा और जय किशन की पार्टनरशिप में वो जमकर खेलने लगा। आखिर प्रेमनाथ की फेंकी हुई गेंद पर जय किशन आउट हो गया। चश्मे बद्दू, अब राजेंद्र कुमार की बारी है। तो, मगर जीवन के दूसरे ही बॉल पर राजेंद्र ने भी राज का साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं राजेंद्र साहब, शम्मी कपूर का स्कोर भी आपके बराबर ही है। मुकरी ने क्रीज संभाली और उधर वहीदा ने बॉल फेंकी। तो, अजी हजरत क्रिकेट खेलिए क्रिकेट, नहीं तो पढ़िए। अरे आउट हो गए। इसमें दो भाई तो खेल रहे हैं और तीसरा उन्हें आउट करने की जिद में है, मगर ये दोनों टेस्ट से मत रही होते। दिलीप कुमार भी आया, शम्मी कपूर भी, अभी भट्टाचार्य भी और प्रेमनाथ भी, मगर किसी की भी दाल न गलने पाई और राजू की टीम का स्कोर बड़े रफ्तारी से 156 की तरफ बढ़ने लगा। बकअप राज कपूर, बकअप। मैच का टाइम खत्म होने ही वाला था, मगर खत्म थी और स्कोर 157 पर जा पहुंचा। खुशी के आलम में खिलाड़ी जोश में आ गए और जीत का झंडा हवा में लहराने लगा, तालियों की आवाज से गूंजने लगा। शुक्रिया राजमहरा साहब, मैदान तो वाकई गूंज रहा है और इस गूंज से हुए मैदान में कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जॉन पेले और पाचनवाला के प्रोपराइटर मिस्टर पाचनवाला, ये इनामत के दो बेहतरीन दोस्त, और इसके बाद इनाम लेने वालों का तांता सा लग गया। वहीदा रहमान, आशा पारे, अनिता गोहा, शम्मी कपूर, प्राण, राजेंद्र कुमार और जानी वाकर। अरे ये जंगली तो दूसरी मरतबा आन पहुंचा, मगर बात बनी नहीं और इस तरह फिल्मी क्रिकेट का ये मैच खत्म हो गया। अभी तक वही संडे है, जनवरी 1962 की वही 28 तारीख, मगर शाम के 7 बजने वाले हैं और इन पिछले 8 घंटों में जो कुछ आपने देखा।